रहा था, डिस्कनेक्ट हो गया यार। ढूंढ के आता हूँ यार सबसे पहले। सो हे गाइस, क्या हाल? होप सो बढ़िया और मैं भी मस्त हूँ। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो ये वीडियो भी होने वाली है कैंपिंग की। तो यार इस चैनल पे ज़्यादातर कैंपिंग की वीडियो आती है, और अभी मैं आधे रास्ते में हूँ तो निकलता हूँ मैं जल्दी जल्दी, अभी ऊपर जाना है। तो चलो। तो गाइस लोकेशन ये रही नीचे। भाई साहब ये सफेद वाले जूते बहुत फिसल रहे हैं यार घास में और पत्थर में। ओ भाई साहब, रिस्की भरा काम हो गया। इन जगह से ज्यादा फिसल रहे पाँव, यहाँ से जाने का ये वाला रास्ता, इधर से जाना पड़ेगा ये वाला रास्ता। सबसे बैग को नीचे फेंकना पड़ेगा तभी। ओहो, अगर मैं इसे यहाँ से नहीं फेंकता ना तो भाई यहाँ से चलना बहुत मुश्किल होता। ऊपर तो मैं आ जाऊँगा बैग लेके, लेकिन नीचे नहीं जा पाऊंगा मैं। एक तो जूता फिसल रहा है बड़ी गंदी तरीके से, और एक मैं भी फिसल रहा हूँ फिर। ये अपना बैग इसे उठा के, तो गाइस लोकेशन वाली जगह पहुंच गया, लेकिन मैं यहाँ से ऊपर कैसे जाऊँगा यार? हैं, यहाँ से तो रास्ता ही नहीं दिख रहा। मेरे को लगा आज चलने के लिए आसान होगा, लेकिन ये वाला जो है ना, ये वाला बहुत भयंकर है। तो जाऊँगा पता कहाँ से, मैं यहीं से जाऊँगा सीधे ऊपर। तो गाइस जगह पहुँच चुका हूँ, और इसके बाद कैंप लगाता हूँ, फिर आई बातचीत। लोकेशन हमें बड़ी खतरनाक है, हमें मतलब चारों तरफ से पहाड़ से घिरा पड़ा हूँ और बीच में मैं पत्थर पे मॉल से। तो गाइस अपना
टेंट पिच हो चुका है, टेंट भी ना ख़राब हो रखा है यार, क्योंकि सिलाई और स्टिक वगैरह टूट चुकी है, तो इस वजह से दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है यार। ज़िंदगी में दिक्कत परेशानी ना हो तो ज़िंदगी कैसी है, नहीं सही बात है ना, इतना तो झेलना ही पड़ेगा। लेकिन यार इस घास में ना मेरे पाँव में बहुत भारी फिसल गए, वो तो टाइम लैप्स में दिखा नहीं ना, तो इस वजह से। तो गाइस पता क्या है, इस घास में चलने में मेरे को ना भाई बहुत दिक्कत हो यार, जूते ना फिसल रहे हैं यार इसमें, पत्थर में भी एकदम से। तो इतनी सी लकड़ी है यहाँ पे आज, भाई साहब मज़ा आ गया मौज ढंग से। तो गाइस अपने आग भी हल्के हल्के जल चुके हैं, इस एरिया में ना घास घास है तो थोड़ा संभल के चलानी पड़ेगी, क्योंकि टेंट भी ना घास के ऊपर लगा पड़ा है, तो इस वजह से मेरे को ना हल्की सी अंगार चाहिए बस, ताकि मैं अपना डिश पका सकूं। ये अपनी जाली ला रखा मैंने, उसके ऊपर अब एक एक स्लाइस टमाटर और प्याज प्याज अरे पनीर, तो गाइज़ जब तक ना अपनी पनीर जो सब्ज़ी है ना वो सिक रही है ना, तंदूर हो रही है ना उसमें, तो तब तक कुछ और सिस्टम करते अपना, है नहीं आगे का काम। तो गाइस सबसे पहले इसमें अपना घी डालते हैं, देसी घी, ठीक है। के बाद ये अपना जो सीखा हुआ है ना, ये इसमें के बाद इसमें नमक, इसके बाद ये क्रीम, जी ऐसा सिस्टम बन गया इसका। तो गाइज अब ये पक चुके हैं ब्रेड, वाओ सो अमेजिंग। तो गाइज
तो गाइस ये अपना खाना रेडी हो गया। मैंने बताऊँ क्या गलती कर दी, मैंने ब्रेड को नहीं सेका भाई साहब। अगर ब्रेड को सेक देता ना मैं, और स्वाद डबल हो जाता, क्योंकि जो प्याज और टमाटर और पनीर का जो वहाँ पे मैंने अंगारों पे उन्हें भुना था ना, मस्त, उसमें स्वाद आ गया उसमें। मुझे ज्यादा टेस्ट ना इसकी ग्रेवी हो रही है। करना आप ट्राई घर पे, बड़ा स्वाद आता है। हाँ, और ब्रेड को ना गरम कर लेना, तब और अच्छा स्वाद आ रहा है। तो अब ड्रोन शॉट। गाइस एक पंगा हो गया यार, अबे ड्रोन रहा था डिस्कनेक्ट हो गया यार, ढूंढ के आता हूँ यार सबसे पहले। तो गाइस ड्रोन मिल गया यार, उस पहाड़ी है ना, ये पहाड़ी वही, यहाँ से भगता भगता गया मैं, और वहाँ पे एक जगह पे ना खड़ा हो रखा था ड्रोन, बटन ही काम नहीं कर रहे थे, फिर जल्दी से कनेक्ट हुआ, फिर जाके आ गया भाई साहब। भाई मेरी ना हालत ख़राब हो गई थी, डर गया था मैं बहुत भयंकर, मैंने कहा यार गया भाई, कोई अपनी चीज़ खोती है ना हालत सही में ख़राब हो जाती है फिर।